भूमि, मैंने तेरे पति को देखा, वो कितना कमजोर हो गया है। उसे रोज दूध क्यों नहीं देती है? यार मैं उसे देती तो हूँ पर वो पीता कम है। और लो मैम, मैंने गाड़ी पार्क कर दिया। अच्छे से किया? अच्छे से कर दी। वैसे वो नीचे गाड़ी पार्क कर रहा था तब वो खन्ना साहब जो है ना पहली मंजिल वाले, वो कह रहे थे कुछ गुस्से में ऐसे हमको अंग्रेजी में बोल दिया, फक्यू कह दिया हमको। पता नहीं इसका मतलब क्या है, क्या बोले हमको। अरे वो तुम्हें धन्यवाद कह रहे थे। धन्यवाद कह रहे थे? हाँ। क्या मैं फालतू में उनको बुरा आदमी समझ रहा हूँ? बताओ, इतने अच्छे आदमी। चलो कोई बात। अच्छा सुनो, इस बार सैलरी में 5,000 रुपए ज्यादा ले लेना। 5,000? क्यों, क्या हो गया? अरे तुम बहुत अच्छे से काम करते हो इसीलिए। 5? मेरा सब कुछ सही हो जाएगा। तुम अब क्या बोलूं, मेरे घर वाले सब सही हो जाएंगे। और आप इतनी मदद कर रहे हो हमारी, थैंक यू सो मच मैम। नहीं मतलब कौन करता है आज के जमाने में। आपने इतनी सारी बार इतनी सारी मदद की है तो हर बार के लिए हर बार फक यू, मतलब फक यू, फक फका फक यार। मतलब क्या बोलूं आपको, लेट्स फक आउट मैम। मैम इतना सारा फक मैं किसी को कर ही नहीं सकता यार। अबे भाई, हिंदी और इंग्लिश में कितना फर्क आ गया है ना। लोग अगर इंग्लिश बोलते हैं तो अपने आप को बड़ा क्लासी और जेंटलमैन समझते हैं, हिंदी बोलने में उनको बेइज्जती लगती है। अब जैसे अपनी लोगों की बात ले लो, अब जैसे हम तुमको इंग्लिश में एज होल बोल दें तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। अब हिंदी में बोल दे कि तुम गाड़ के छेद जैसे दिखते हो तो तुम बुरा लग जाएगा, झाड़ी समूह बन जाएगा। भाई भाई भाई, अगर वही इंग्लिश में अगर हम बोल दें मदरफकर तो कितना क्लासी लगता है। अब यही बोलो कि मदरचोद तो बुरा लगता है ना भाई। हाँ भाई, अब जैसे ये अब एक बात और ले लो, अब जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड बैठी हो, हमारी गर्लफ्रेंड बैठी हो, अब हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड से बोल दें इंग्लिश में आई वांट टू फक यू बेबी, तो उसको कितना अच्छा लगेगा। मतलब बुरा, तुम्हें भी बुरा नहीं लगेगा। वैसा ही होता ही है ना। अब यही बोल दे तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कि हम पहनना चाहते हैं तो तुम्हें बुरा लग सकता है शायद। तुम्हारी भी तो गर्लफ्रेंड है ना वो? नहीं, हमारी गर्लफ्रेंड तो छिनार है, वो तो उसकी बात ना करो। वही अगर इंग्लिश में हम तुम्हारे पापा को कह दें कि आपका लड़का मैस्टर्बेशन करता है तो उनको झांट समझ में आएगा नहीं? नहीं, अब यही बोल के आया हूँ कि मुठ मारता आपका लड़का तो तुरंत समझ गए, आ ही रहे होंगे बहुत सड़ी की मादर चुकी। अबे भाई, भैया एक चिप्स देना। भैया गूगल पे चलता है? यहाँ गूगल पे नहीं, यहाँ गाड़ पे चलता है। और जल्दी आओ अंदर। छोटे तू मुंह चला, जीपे हर जगह चलता। भैया जब करवा लिया तो फिर हम मोटा पतला क्या देखना है? एक चीज तो ले ले। हाँ भोसड़ी की ले लो। कहाँ बे, बारात लाने में लेट कर रहे हो भोसड़ी के? अब तुम्हारा डिमांड बढ़ गया है, तुमको 25,00,000 रुपया प्लस फॉर्चूनर चाहिए। अपना शक्ल देखे हो? और सुन बे, तुम्हारे बाप ने यही पे बैठा दिए गए हैं। अब तुम आओ ना, तुमको भी यहीं से रेला जाएगा जैसे तुम्हारे बाप को यहाँ पे बैठा के रेला जा रहा है। आओ, तुमको 25 गोली ना तुम्हारे सीने में ठोकेंगे। और तुमको फॉर्चूनर चाहिए ना तो तुमको गधा पे लेटा के भेजेंगे। और ये उत्तर प्रदेश की लड़कियों की शादी है तो यहाँ पे तुम्हारे दिल से नहीं चलेगा, यहाँ पे हमारे दिल से चलेगा कि हम क्या देना चाहते हैं। भोसड़ी के शादी करने आए हैं। तो बच्चों, मैं आज से तुम्हारी नई टीचर, तो तू खड़ा हो जा बेटा, तू खड़ा हो। हाँ चल खड़ा हो मेरा बच्चा, खड़ा हो खड़ा हो। पोयम सुना, चल सुना, अच्छी सी पोयम सुना, सबको दिखाया आप सुना। मेरा छोटा सा, मेरा मोटा सा, मेरा बड़ा हुआ, मेरा खड़ा हुआ, तूने गार दी मैंने पार दी, तूने तेल दिया मैंने पेल दिया। हराम कोल, कुत्ते के पिल्ले, बर्वे की औलाद, गांडू गांडू, बोलो भोसड़ी के, भोसड़ी के, भोसड़ी के, भोसड़ी के, तेरी बुंड विच गोली पावा, तेरी बुंड विच गोली पावा। ये किसके साथ हो तुम? तेरे बाप के साथ हूँ गांडू भोसड़ी के। फोन रख यार, खोलना। अभी नहीं खोलूंगी, सब है यहाँ पे। फोन खोलना, वीडियो बनाना है। बलून सॉफ्ट है ना? सॉफ्ट है ना यार, ये इतना ही छोटा होता है क्या? बहुतों का तो इससे भी छोटा होता है। डालना। मैं कैसे डालूं? वो तो तेरा काम है ना। दारू डालना। उप्स।
वैसे गाली होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। अत्यधिक क्रोध आने की अवस्था में शारीरिक रूप से हिंसा ना करते हुए मौखिक रूप से की गई हिंसात्मक कार्रवाई के लिए चुने गए शब्दों के कुछ विशेष समूह जिनके उच्चारण के बाद मन को परम शांति का अनुभव होता है। बिल्कुल, उसे हम गाली कहते हैं।